मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोगों ने वैसे इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी ली जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, चाहे वो जूट इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखा कि हमारे कंट्री के GDP में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके सामने कौन कौन से चैलेंजेज हैं। ठीक है ना, आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और IT इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, इन तीनों इंडस्ट्रीज के फीचर्स को देखेंगे, इन तीनों इंडस्ट्रीज के सामने क्या चैलेंजेज है उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ना हम लोग बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो और सारे इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, ठीक है, वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए वो कैपिटल हो जाते हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं। ठीक है ना, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोवाइड बेस टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मेनी अदर इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री। देखिए, यहाँ चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो लाइट इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो या हैवी इंडस्ट्री हो, लाइट मीडियम और हैवी कहने से मतलब हम लोगों का होता है कि उस इंडस्ट्री में जो प्लांट्स या मशीनरी यूज किए जा रहे हैं उनके अमाउंट के आधार पे, उनके साइज के आधार पे हम इंडस्ट्री को लाइट मीडियम या हैवी कह सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो लाइट हो, मीडियम हो या हैवी हो, इंडस्ट्रीज में मशीन यूज होंगे ही। ठीक है, मशीन कहाँ प्रोड्यूस होंगे, मशीन जो भी होंगे आयरन स्टील से प्रोड्यूस होंगे। तो हम ये तो समझ रहे हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या कर रही है, और इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना, देखिए अगर हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कंसीडर करेंगे तो इसको हम लोग कहाँ डाल सकते हैं, हैवी में, लाइट में या मीडियम में। ऑब्वियसली हम लोग इसको हैवी इंडस्ट्रीज में ही डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में जो मशीन यूज होते हैं वो काफ़ी बड़े स्केल पे होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी बड़े मशीन होते हैं यूज, अमाउंट ऑफ मशीन भी ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है ना, सो बेसिक इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज कॉज ऑल इंडस्ट्री वेदर लाइट मीडियम और हैवी डिपेंड अपॉन इट। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि ये मेनली जो छोटा नागपुर प्लेटो के जो रीजन्स हैं, रिसोर्स रिच रीजन है, ठीक है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, ओडिशा और झारखंड में, वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर हम डेक्कन रीजन की बात करते हैं तो कर्नाटका में और तमिलनाडु में ज़्यादा दिखाई देते हैं ये। ठीक है ना, ओके, उसके बाद हम लोग ना देखते हैं, देखिए हमें ये पता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन इनका इस रीजन में है, छोटा नागपुर रीजन में है और डेक्कन साइड में कहाँ पर, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। देखिए ओके, हम लोगों ने जो पहला टॉपिक किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कहीं पे भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ पे जो अवेलेबल फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के करते हैं। हम लोगों ने किया है ना पीछे फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्टर्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, रॉ मटेरियल का सप्लाई, चीप लेबर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग यही चीज़ें कंसीडर करते हैं, तो जो बेसिक कंसीडरेशन होता है वो हम लोग समझते हैं ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं छोटा नागपुर रीजन में, डेक्कन में, कर्नाटका या तमिलनाडु रीजन में। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, तो हम लोग उसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एरिया है,
यहाँ पे रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। सो प्रॉक्सिमिटी टू रीजन्स ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल को बाहर से ट्रांसपोर्ट करके नहीं लाना होगा, तो कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और कॉस्ट रिडक्शन किसी भी इंडस्ट्री का मेन कंसर्न होगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, खर्चे कम से कम हो, किसी भी इंडस्ट्री का यही टारगेट होता है ना। सो कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करेंगे, तो जब रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, चीप लेबर सप्लाई। जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा होने चाहिए। वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो और बिहार हो, यहाँ से लेबर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग काम की तलाश में इधर आते हैं, ठीक है। तो लेबर जो है वो सस्ते में अवेलेबल है। वही हम लोग कर्नाटका में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं, तो वहाँ पर भी लेबर सप्लाई काफ़ी, देखिए डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे, ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग काम करने जाते हैं वहाँ पे, तो लेबर सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रिक्वायरमेंट आप देखते हैं कि पावर सप्लाई चाहिए और साथ ही साथ वाटर सप्लाई चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो छोटा नागपुर रीजन है वहाँ पे दामोदर रिवर काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जमशेदपुर में ही देख रहे हैं, तो जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। वैसे ही कर्नाटका और तमिलनाडु में भी रिवर्स हैं जो हेल्प करते हैं। तो वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई, अगर रेगुलर वाटर एंड पावर सप्लाई है तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा, एक फेवरेबल कंडीशन है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो आप इंडस्ट्रीज़ में जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ मार्केट से और भी फेवरेबल फैक्टर्स मिलते हैं, मार्केट से और भी फेवरेबल चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, वेयर हाउसिंग हो गए, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जो ट्रेड को असिस्ट करेंगे, जो प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, तो मार्केट से नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर इसको देखते हैं तो जैसे हमने छोटा नागपुर रीजन में लिया, तो कोलकाता पोर्ट हो जाता है, कर्नाटका में और तमिलनाडु में बहुत सारे पोर्ट हैं, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट में हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। सो क्लोजनेस टू पोर्ट हेल्प इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल, चीप लेबर सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस टू पोर्ट, ये सभी चीज़ें एक फैक्टर हैं इस एरिया में, इस रीजन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। अब इसके साथ ना हम लोग देखते हुए चलेंगे इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन, हम लोग पहले टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इन 2010-11 विद 72.2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्ड फोर्थ अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन 2010-11, ठीक है। अगर हम लोग अभी के हिसाब से देखते हैं ना, तो अभी के हिसाब से देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, प्रेजेंट के हिसाब से देखते हैं 2019 में देखते हैं तो स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, ठीक है ना। चाइना का जो प्रोडक्शन है वो 996 मिलियन टन था, जबकि इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है 2019 में वो 111 मिलियन टन है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे जापान आता है, ठीक है। हम लोग फिलहाल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें अपडेटेड भी होना चाहिए, तो हम लोग अपडेटेड जो फिगर है वो अपडेटेड फिगर को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हम लोग यूज टेक्स्ट बुक का करेंगे, जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इंडिया का पोजीशन देख रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। वहीं आप ना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपके कि जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और कितने रेशियो में, तो आप क्या देखते हैं कि स्टील के प्रोडक्शन के लिए आयरन ओर, कुकिंग कोल और लाइम स्टोन यूज होते हैं, और किस रेशियो में यूज होते हैं, तो 4:2:1 के रेशियो में, ठीक है ना, 4:2:1 के रेशियो में यूज होते हैं ये तीनों, किस चीज़ के लिए, स्टील के प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग ये समझते हैं ना कि स्टील प्रोडक्शन के लिए किस रेशियो में कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया का लीडिंग पोजीशन है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग नेशन इन वर्ल्ड, ठीक है ना। लेकिन हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के सामने कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है, तो हम लोग उस चैलेंजेस को भी कंसीडर करते हुए चलते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया है ना कि स्टील के प्रोडक्शन में हम लोग आयरन और कुकिंग कोल और लाइम स्टोन
4:2:1 के रेशियो में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुकिंग कोल का जो हमारे पास स्टॉक है वो डिजायर्ड अमाउंट में हमारे पास स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। सो लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल, एक तो ये चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा जो हम क्या देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कमी देखते हैं। तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल आर टू चैलेंजेज बेस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ओके। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है। क्वालिटेटिवली देखते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो लो प्रोडक्शन है लेबर का, ठीक है। और पावर सप्लाई भी रेगुलर नहीं है। तो दीज आर सम चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ओके। कौन कौन से हैं एक बार जल्दी से देखते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन और हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हमारे कंट्री क्या परफॉर्मेंस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, के बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहने का मतलब हमारा क्या हो गया। देखिए ऑटोमोबाइल में चाहे आपके 2-व्हीलर हो, 3-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, सभी तरह की गाड़ियाँ आ जाती है, ठीक है ना। ऑटो और मोबाइल, ठीक है। ऑटो मतलब आप लोग जानते हैं सेल्फ, और मोबाइल मतलब मूव करने वाला। तो जो अपने आप मूव कर रही हो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, मैकेनिकली जो अपने आप मूव करती हो, जैसे बाइक है, गाड़ियां हैं, तो मूव कर रही है। हम लोग उसके वर्ड के ओरिजिन में नहीं जा रहे हैं, बस समझ लेते हैं वैसे, ठीक है ना। सो ऑटोमोबाइल जब हम लोग कहेंगे तो हमारा मतलब क्या होगा, या तो वो 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर या उससे भी ज़्यादा गाड़ियों से होगा, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसका सबसे मेन रोल आप क्या देखते हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, पैसेंजर हो, इनके ट्रांसपोर्टेशन में, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में ऑटोमोबाइल का रोल होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ऑटोमोबाइल में आप क्या क्या देख सकते हैं, ट्रक देख सकते हैं, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3-व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जो भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे, ऑटोमोबाइल में आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे कंट्री में ऑटोमोबाइल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सारे सेंटर्स पे होते हैं, बहुत सारे जगह पे होते हैं, ठीक है। देखिए 1991 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, लिबरलाइजेशन अपनाया, उसके बाद से आप देखेंगे तो इंडिया में क्या हुआ, नए मॉडल्स आने स्टार्ट हुए, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ी है, ठीक है ना। बाहर के भी कंपनी, बाहर के भी प्रोड्यूसर्स इंडिया में आने लगे। सो आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ न्यू एंड कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिम्युलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज है पिछले 15 सालों में इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। सो दिस इंडस्ट्रीज हैड एक्सपीरियंसड अ क्वांटम जंप इन लेस दैन 15 ईयर्स एंड FDI हैज स्टिम्युलेटेड द सेक्टर्स। FDI कहने का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपनी कंट्री में बाहर के कंट्री के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे देश के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया है इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिंपली इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हुए चलेंगे, FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो FDI आने के बाद क्या हुआ कि हमारे कंट्री में बाहर के कंपनीज भी आने स्टार्ट हुए, जिससे क्या हुआ, यहाँ कंपटीशन का लेवल बढ़ा, ठीक है। टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हुई, डिमांड काफ़ी बढ़ी है। तो FDI के बाद से इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्टिम्युलेशन मिला है, FDI ने इस सेक्टर्स को स्टिम्युलेट किया है, ठीक है ना। और देखिए हम अपने कंट्री में अगर बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के प्लांट्स की, तो ज़्यादातर आपको दिखाई देते हैं गुरुग्राम, ठीक है। फॉर्मरली ये गुड़गांव कहते थे हम लोग इसको, तो गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर,
बेंगलुरु, दिल्ली, इन सब जगह पे ये ज़्यादा लोकेटेड है, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर मेनली लोकेटेड अराउंड गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली एंड बेंगलुरु, ठीक है। और हम लोग अगर अभी के हिसाब से देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, तो हमारे इंडिया में पैसेंजर कार के मैन्युफैक्चरर आपको मेनली 15 कंपनीज या 15 मैन्युफैक्चरर्स ऐसे दिखाई देते हैं जो पैसेंजर्स कार को मैन्युफैक्चर करते हैं। वहीं आप अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं तो आपको टोटल 9 मैन्युफैक्चरर दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आप टाटा जानते हैं, टाटा मोटर्स हो गए, अशोक लीलैंड हो गए, महिंद्रा हो गए, ठीक है। पैसेंजर्स कार्स में भी आप बहुत सारे कार के नाम, कंपनी के नाम जानते हैं। 2 और 3 व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरर में आप बहुत सारे कंपनीज के नाम जानते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग 2 और 3 व्हीलर्स की बात करते हैं तो टोटल 14 मैन्युफैक्चरर्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। आप ना इस चीज़ की समझ को बढ़ाने के लिए अपने आसपास जो भी गाड़ियां देखते हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो आप ना क्या करेंगे, उसके कंपनी का नाम देखेंगे और पता करेंगे कि वो हमारे इंडिया की है या बाहर की है। इससे क्या होगा कि इसकी समझ भी बढ़ेगी, जानकारी भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हम लोग देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का हम लोग कंट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं और लिबरलाइजेशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के डिमांड को भी समझ रहे हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग एक और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के टाइम में आप उसको ना सबसे इमर्जिंग सेक्टर के रूप में देख सकते हैं और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हम लोग अब आईटी एंड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज की बात करते हुए चलेंगे, ओके। तो अब हम लोग ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बाद देखते हुए चलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है। देखिए इस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट है ये काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। आप ना एक टेलीविजन, फ्रिज, रेडियो, कैमरा, ठीक है, कंप्यूटर्स, बहुत सारे फैन हो गए, ठीक है। देखिए इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ना बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, चाहे आपने टेलीविज़न से लेके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेरिएशन आपको दिखाई देते हैं। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम टेलीविज़न टू मोबाइल, कंप्यूटर एंड मेनी अदर इक्विपमेंट और मेनी अदर गैजेट्स, ठीक है। हम अगर आईटी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो अपने कंट्री में बेंगलुरु का जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेंगलुरु को हमारे कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे कंट्री के जो लीडिंग आईटी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लीडिंग आईटी कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है, वो यहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना। तो इसलिए बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद आप देखते हैं तो इंडिया में बेंगलुरु के अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये सब भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इस इंडस्ट्रीज के, ठीक है। देखिए हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो आज आप ना पूरी दुनिया में देखेंगे तो जो भी लीडिंग आईटी कंपनीज है वहाँ पे एम्प्लॉई में इंडियन आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इंडियन जो आईटी टेक्नीशियन है इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया का इस इंडस्ट्री में अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हमारे कंट्री में आईटी इंडस्ट्रीज के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्री में सॉफ्टवेयर पार्क इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क इस्टेब्लिश किए। सॉफ्टवेयर पार्क कहने का मतलब हमारा वैसे यूनिट से है जहाँ पे हमारे कंट्री के जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो आईटी सेक्टर्स के इंजीनियर और टेक्नीशियन होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो फिलहाल हमारे कंट्री में टोटल 46 लोकेशन पे सॉफ्टवेयर पार्क है। हम अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 77 पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे लोकेशन है जहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये ना मैप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैप में वो जगह जहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ना इस इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए
आज के टाइम में ना ये एक लीडिंग और आप कह सकते हैं ये एक ना इमर्जिंग सेक्टर है, और अभी के टाइम में खास तौर पे अभी आप देख सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में सबसे ज़्यादा जॉब सर्विस सेक्टर में क्रिएट हुए हैं, नए नए जॉब क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना। तो आईटी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ है, न्यू फॉर्म्स ऑफ जॉब, न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। सो इट इज़ एन इमर्जिंग सेक्टर एंड अ मेजर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ देखिए इस इंडस्ट्री में आप ना BPO में, कॉल सेंटर्स में और भी सेक्टर्स IT इंडस्ट्रीज में वुमेन को एम्प्लॉयड देखते होंगे, ठीक है। सो IT इंडस्ट्रीज की एक और आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में टोटल 30% जो एम्प्लॉयड हैं वो वुमेन है, टोटल जितने एम्प्लॉयड हैं उसके 30% वुमेन है। तो वुमेन को जॉब प्रोवाइड करने के मामले में ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है। इट हैज़ 30% वुमेन एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद हम ये तो समझते हैं कि इसने IT इंडस्ट्रीज ने बहुत नए तरीके के जॉब इंडिया में प्रोड्यूस किए, नए तरीके के जॉब क्रिएट किए। आप इधर एग्जांपल ले सकते हैं, पिछले कुछ साल में जोमेटो, पेटीएम, ये आजकल जितना ऑनलाइन शॉपिंग चले हैं, ठीक है, तो ये सब IT इंडस्ट्रीज के कारण ही हुआ है ना। IT इंडस्ट्रीज के डेवलप के कारण ही इतने तरह के जॉब आप देख सकते हैं अपने आसपास, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि IT इंडस्ट्रीज के थ्रू हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसीज भी आते हैं, ठीक है। IT इंडस्ट्री में हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी भी इंडिया को मिलेगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन करेंसी। एंड और उसके बाद जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट देखिएगा रोल, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत ही हार्श कॉम्पिटिशन है, पूरी दुनिया ना कनेक्टेड है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, तो इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, इस कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए IT इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन प्रेजेंट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखे हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री देखा और IT इंडस्ट्रीज देखे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चन और सजेशन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।